अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन। अदनान रऊफ राजपूत आपके लिए हाजिर है। ये आखिरी रास्ता है बलूचिस्तान और सिंध को मिलाने वाला, क्योंकि मेन ब्रिज एक गिर गया था अब चौकी का, वो अब बन रहा है आखिरी मराहल में, और उसके नीचे टेम्प्रेरी कॉजवे बनाया गया था वो भी टूट गया। फिर उसके बाद एक और कॉजवे जो पुराना था, 2-3 साल पुराना, उस पर मिट्टी डाल के उसको स्टार्ट किया गया, लेकिन इस वक्त बारिशों और डैम के फुल होने की वजह से ओवर जो वाटर है, ओवर सप्लाई का, वो ओवर स्पेल उसको कहते हैं वो लोग, तो वो पानी अब आ रहा है वहाँ से, तो उसकी वजह से वो डैम भी, वो रास्ता जो है वो भी सारा पानी अब उस रास्ते के ऊपर से गुजर रहा है। वो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ इस वीडियो के में। और अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये आखिरी एक ब्रिज है जो उम्मीद है सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला। मैंने कहा कि मैं ये आपको दिखा दूं कि ये आखिरी रास्ता है। अब इसके ऊपर सारा ट्रैफिक का लोड जितना भी है वो इतना होता है। अब इसके नीचे से जो नदी गुजर रही है वो ये वो ब्रिज है, और अल्लाह ताला इसको कायम रखे, क्योंकि खुदा ना खासा अगर इस ब्रिज में कोई मसले मसाइल आते हैं तो फिर क्या होता है कि बलूचिस्तान और सिंध की सप्लाई जो है हर किस्म की वो बंद हो जाएगी। ये है वो नदी, ये जो अभी गुजर रही है नीचे, और यहाँ से भी देख सकते हैं इधर से, तो ये सिलसिला है इसका। अगर बस ये है कि दुआ करें कि ये कायम रहे, क्योंकि यहाँ से जितने सैलाब जदगान हैं उनका भी रास्ता यहीं से जाता है, खाना पीना टोटल बलूचिस्तान की, अफगानिस्तान की सप्लाई तक ये रास्ता जाता है। तो ये उस ब्रिज से हम गुजर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इसको कायम रखेगा और ये चलता रहे। बस ये है मेरी हुकामे बाला से रिक्वेस्ट, ये है कि जब ये आखिरी रास्ता रह जाता है तो होता ये है कि ऐसे मौके पे कि तमाम जितने वो गाड़ियां हैं वो आपस में आमने सामने आ जाती हैं और घंटों यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, और पिछले साल भी हमने बहुत तकलीफ यहाँ से झेली थी। लेकिन इसका एक अल्टरनेट रास्ता मेरे पास है, वो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, खुफिया रास्ता ना, इसी चैनल में खुफिया रास्ता के नाम से है। वो साकरान से रास्ता जा रहा है, साकरान का रास्ता बेहतरीन बन चुका है, वहाँ रोड तकरीबन मुकम्मल बन चुके हैं और उसमें ब्रिजेस भी बन गए बीच में, वरना पहले नदियाँ बीच में आती थी तो उसकी वजह से लोग निकल नहीं पाते थे। तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर हमारा दोबारा वहाँ से गुजर होता है तो मैं उसकी वीडियो बना दूँगा, अदरवाइज़ इसका एक वीडियो का लिंक ज़रूर डाल दूँगा, ताकि अगर आप क्वेटा से आ रहे हैं और अगर आपको ये सारा ट्रैफिक जाम मिलता है और पानी भी ओवरफ्लो हो रहा है, तो आप साकरान के रास्ते से हमदर्द यूनिवर्सिटी वाले से आप सुपर हाईवे की तरफ जा सकते हैं या कराची की तरफ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।